जैसे कि कल अजमेर में सब जगह कॉलेज में चुनाव है, और मेरे इलाके में विशेष करके दो कॉलेजेस हैं, GCA कॉलेज और DAV कॉलेज, जिसमें कुल मिलाकर के करीब 10,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। इसको देखते हुए सबसे पहले तो ट्रैफिक को नियंत्रण में रखने के लिए थोड़ा सा डाइवर्जन की जाएगी। सुभाष नगर चुंगी से लेकर के मार्टिन ब्रिज तक टोटल नो व्हीकल जोन रहेगा, सुबह करीब 6-7 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक, जब तक वोटिंग का समय है। इसके अलावा पुलिस, ये तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी करीब 50 से ऊपर इस इलाके में रहेंगे ही। इसके अलावा जो हमारे अन्य थानों के और पुलिस लाइन से जो जाब्ता लगेगा, करीब 150 कांस्टेबल हैं और हेड कांस्टेबल हैं, जो इन दोनों कॉलेजेस में और अलग अलग जगह में यहाँ पर रहेंगे मेरे इलाके में। साथ में करीब 10 अधिकारी हैं, जिसमें CI, SI, ASI सारे हैं, और मेरी ऊपर से निगरानी रहेगी और एडिशनल मैम भी इलाके में पूरे निगरानी रखेंगे। छात्र नेता जब वोटिंग का समय है तब अंदर आएंगे, और कैंडिडेट वैसे विशेष करके कॉलेज के अंदर वो घूम सकता है, उसके एजेंट हैं जो जहाँ पे वोटिंग होगी वहाँ पर बैठते हैं, और प्रचार प्रसार वैसे अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ पे नियंत्रण रखा जाएगा, बाकी कैंडिडेट अंदर रहते हैं।